खरगोन जिले के भगवानपुर में सोमवार को सिरवेल और मोहनपुरा में क्रमशः 372 व 236 लाख रुपए की लागत से नवीन विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झिरनिया में कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस के नेतागण एक मंच पर एक साथ नजर आए। सिरवेल और मोहनपुरा में 3311 केवी केंद्र बनाने से ग्रामीणों को लंबे समय से इंतजार था, अब क्षेत्रवासियों को बिजली की समस्याओं से निजात मिलेगी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जयनारायण गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत जायसवाल, जिला मंत्री चंद्र सिंह वासकले, प्रेम सिंह सिसोदिया, कुलदीप सिंह चौहान, छतर सिंह मंडलोई, वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद्र भावसार, रेसला ब्राह्मणे, देवनारायण ठाकुर, मांगनिया किराड़े, गोविंद बड़ोले, डॉक्टर सुभाष पवार, बियान सिंह पटेल, भागीरथ बड़ोले, मंडल महामंत्री सुनील जाधव, गंगाराम सोलंकी, ध्यान सिंह वासकले सहित विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। भूमि पूजन के कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक केदार डावर भी मौजूद रहे। आयोजन के अंत में विधायक के भाषण के दौरान बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उठकर चले गए। इस दौरान कार्यक्रम में अंदरूनी कलह देखने को मिली, इस पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। भगवानपुरा के सिरवेल में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो योजना पूरे क्षेत्र को दी है, हम माननीय मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सरकार के भगवानपुरा विधानसभा के भाजपा मंडल भगवानपुरा और विश्राम मंडल के विद्युत उपकेंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान झिरनिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे समस्त मंचा सिंह पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, क्षेत्र की सिरवेल क्षेत्र और मोहनपुरा क्षेत्र की जनता का मैं सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।